भारतीय समाज पार्टी द्वारा आज 10 दिसंबर को सर्व समाज सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने वहां पर क्षेत्र से कोने कोने से पहुंचे लोगों को संबोधित किया। जनता को संबोधित करते हुए मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि बुलंदशहर में जिस प्रकार के माहौल को बनाया जा रहा था उसको जनता भली भांति जानती है। उन्होंने कहा कि हम सरकार में रहकर भी जनता की आवाज उठाने का कार्य करते हैं। जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मैं यहाँ वोट मांगने नहीं आया हूँ, मैं केवल गुलामी से पीड़ित लोगों को गुलामी का एहसास कराने आया हूँ। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से देश एक वक्त में अंग्रेजों का गुलाम था, उसी प्रकार आज हम नेताओं के गुलाम बन चुके हैं और इन नेताओं द्वारा जनता को जातियों में बांटा जा रहा है एवं विकास के नाम पर नेताओं की जबान बंद हो जाती है। उन्होंने कहा कि वोट मांगते समय नेता जनता को राजा बनाने की बात करता है, परंतु वोट लेने के पश्चात सारे वादे भूल जाता है। उन्होंने कहा कि जनता द्वारा चुने गए एक MLA को सरकार द्वारा 1,40,000 प्रतिमाह मिलता है, परंतु इसके बदले जनता को क्या मिलता है। उन्होंने कहा कि हम मांग करते हैं सरकार द्वारा मतदान सूची में आने वाले लोगों को 5,000 प्रतिमाह मिलना चाहिए एवं सरकारी पदों पर तैनात उन लोगों के बच्चों को भी प्राइमरी स्कूल में पढ़ना चाहिए जो लोग सरकार द्वारा मोटी तनख्वाह प्राप्त करते हैं, तभी देश की शिक्षा का विकास हो सकेगा। उन्होंने कहा आज भी गरीब का बच्चा जमीन पर बैठकर शिक्षा प्राप्त करता है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में दो विभाग हैं, एक विभाग कहता है शराब मत पियो और दूसरा आबकारी विभाग कहलाता है। लाइसेंस लो और शराब बेचो, किसानों पर हो रहे अत्याचार पर बोलते हुए मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि किसान के गेहूं का भाव दिल्ली में बैठे लोग तय करते हैं और एक कीटनाशक का भाव उद्योगपति तय करता है। यह किसानों पर हो रहा अत्याचार नहीं तो और क्या है। उन्होंने कहा कि हिंदू मुस्लिम एवं जाति के नाम पर लड़ना बंद किया जाए और विकास के नाम पर वोट किया जाए। इस सम्मेलन में महार सिंह एडवोकेट ऋतु राज कश्यप, राजपाल सिंह, डॉक्टर चंद्रपाल दयाराम भार्गव, गौरव यादव एवं अन्य पदाधिकारीगण मौजूद रहे। PLA न्यूज के लिए बिजनौर से तारिक शेख की रिपोर्ट। आज ये जनपद बिजनौर के ग्राम बास्टा में भारतीय समाज पार्टी का सर्व समाज सम्मेलन जो रखा गया था, उसका क्या उद्देश्य है? समाज में जागृति पैदा करना,
जो आज़ादी के 72 साल में देश के नेताओं द्वारा आपस में लड़ाने की साजिश, बांटने की साजिश, उसको हम समझा रहे हैं कि हम सब लोग एक हैं, हम इंसान हैं, उसके बाद तब हम हिंदू मुसलमान हैं। हम सब लोग मिल करके रहें, आपस में न लड़ें। लड़ाई हो तो अधिकार के लिए लड़िए, शिक्षा के लिए लड़िए, रोजगार के लिए लड़िए, नौकरी के लिए लड़िए, इस लड़ाई को लड़िए। आपके रास्ते पुल पुलिया नाली खड़ंजा चक्रोट नहीं बने, उसके लिए लड़िए। आपके राशन कार्ड, आवास, शौचालय, पेंशन की लड़ाई लड़िए। ये आपस में हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, अगड़ा पिछड़ा, ये लड़ाई से नुकसान देश का हो रहा है। जिस प्रकार से देश में लोकसभा चुनाव तैयार हैं, उसको देखते हुए आपकी क्या तैयारी है? देखिए, लोकसभा चुनाव अभी तो फिलहाल हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और साथ मिल के लड़ेंगे जी। जो सीटें मिलेगी उसको लड़ा जाएगा। सरकार द्वारा विकास कार्यों पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सरकार विकास का काम, जो सरकार का अनवरत क्रम है, उस क्रम में हर पार्टी करती रहती है। पिछली सरकारों ने जो किया उसके बाद सरकार बनी है, बेहतर करने की कवायद में सरकार